हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजेट। और आज हम बात करने वाले हैं रियल स्टार उपेंद्र सर की मच अवेटेड मूवी कब्जा की रिलीजिंग डेट के बारे में, जो कि मूवी के मेकर्स की तरफ से लीक्ड हो गई है। जैसे ही ये मूवी की रिलीजिंग डेट लीक हुई, वैसे ही मैंने सोचा कि यार इस बात में दम हो सकता है, क्योंकि अगर ये गलती से हुआ ना तो कहीं ना कहीं ये दमदार अपडेट हो सकती है। कब्जा मूवी के बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको प्रॉपर अपडेट मिल सके कब्जा मूवी के बारे में। और अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसे बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी हो तो कब्जा जैसी हो, आपको तो पता है ना कि हम इसकी बैक टू बैक अपडेट पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये अपडेट देखी तो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक ये अपडेट सही हो सकती है। अगर मूवी के मेकर्स की तरफ से इसे लीक किया गया है ना, तो कहीं ना कहीं इस बात में वजन हो सकता है। और यार मैं तो चाहता हूँ कि मूवी के मेकर्स अनऑफिशियली रिवील कर दे, हम वहां पर सेटिस्फाइड हो जाएंगे। यार मुझे ये बात तो क्लियर नहीं है कि ये कब्जा मूवी की जो रिलीजिंग डेट शेयर की है ना मूवी की टीम ने, कि ये सच है या झूठ है, ये बात तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे काफी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है, और जिन लोगों ने इस पोस्ट को देखा होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। और अगर ये रिलीजिंग डेट नकली भी निकलती है ना, तो एक ही दिन की बात है, उसके बाद आपको इसकी ऑफिशियल रिलीजिंग डेट भी सुनने को मिल जाएगी, यानी कि 24 जनवरी का इंतजार कर लीजिए। लेकिन यार सच में ये हो सकता है कि ये रिलीजिंग डेट हो, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियां अक्सर मूवी की टीम की तरफ से हो जाती है, तो हो सकता है कि जो भी हो ये सच हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप तो ज्यादा एक्साइटेड होंगे, मुझे पता है, और मैं तो हूं ही, क्योंकि भाई साहब मैं तो बैक टू बैक अपडेट पर काम कर रहा हूं कब्जा मूवी के लिए। वैसे तो कब्जा मूवी पर काफी र्यूमर काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ काफी फेक अपडेट आ रही है, क्योंकि आज जब मैं कब्जा मूवी की अपडेट चेक कर रहा था ना, तो वहां पर मैंने एक अपडेट काफी ताबड़तोड़ देखी। वहां पर लिखा हुआ था कि कब्जा मूवी को किया जाएगा बैन, क्योंकि यार मूवी की टीम की तरफ से कोई भी इसकी रिलीजिंग डेट शेयर नहीं की जा रही है, ट्रेलर का अपडेट नहीं आ रहा है, कोई सॉन्ग नहीं आ रहा, कोई म्यूजिक थीम नहीं आ रही है, कुछ भी शेयर नहीं किया जा रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि अपडेट इतनी ताबड़तोड़ निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं काफी लोगों को एक्साइटमेंट से भर रही है। चलिए ये तो बात हो गई है मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में, यानी कि जो लीक हुई है, लेकिन ये कितनी तारीख को होने वाली है आपको पता है क्या? चलो मैं ही बता देता हूं। अगर आप ये पोस्टर देख रहे हैं ना, तो इसमें इजीली क्लियर हो रहा है बैकग्राउंड में रियल स्टार उपेंद्र सर के कि 16 मार्च की इसकी रिलीजिंग डेट बताई जा रही है इस पोस्टर में। बाकी कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ये बात तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर ये सच में निकला ना, तो कहीं ना कहीं फैंस पागल हो जाएंगे यार, क्योंकि रियल स्टार उपेंद्र सर के लिए काफी ताबड़तोड़ रश देखने को मिल रही है। बाकी कब्जा मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड और आपके क्या ओपिनियन है, बताओ 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 यार, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहाँ से, क्योंकि हम इसे बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आकर मैसेज कर सकते हैं, फिर क्वेरी कर सकते हैं कोई भी मूवी के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।